प्रदेश में 27 जून से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र को लेकर सत्ता विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष बजट सत्र को लेकर आम जनता से सुझाव ले रहा है, जिससे बजट को जनहितकारी बनाया जा सके। वहीं विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की रणनीति बनाई है। बजट सत्र को लेकर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विपक्ष से सकारात्मक रखने की अपील की है। जोशी ने कहा कि सदन में विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, लेकिन जनहितकारी मामलों में सकारात्मक रुख रखें। वहीं खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष की ओर से सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मीणा ने कहा कि बजट को जनहितकारी बनाने के लिए प्रदेश के सभी वर्गों के साथ पहले चर्चा की गई है, उनके सुझाव पर भी बजट तैयार किया जा रहा है, इससे जनता को लाभ मिल सके। सरकार की पूरी तैयारी है, सरकार बजट लेकर आ रही है, जो दूसरे विधायी कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमें विपक्ष का रचनात्मक सहयोग मिलेगा। हम अपील करते हैं विपक्ष से कि विधानसभा चलाने में मदद करें और हम सब मिलकर राजस्थान की जनता की आशाओं पर खरा उतरें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष हमें रचनात्मक सहयोग देगा। देखिए, रचनात्मक प्रतिपक्ष घेरे सरकार को, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन सकारात्मक उनका दृष्टिकोण रहना चाहिए। सरकार जवाब देगी सदन में, सरकार ने क्या किया ये बताएगी, और जो भ्रांतियाँ प्रतिपक्ष की तरफ से खड़ी की जा रही हैं उन भ्रांतियों का निराकरण सत्ता पक्ष करेगा। ये आपको फ्लोर पे पता लगेगा, और कांग्रेस सरकार की राजस्थान में पूरी तैयारी है कि हम जनहित के सारे कामों को जो हमने घोषणा की है और जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो हमने जो अपने वादे किए हैं।